हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो फिर आज की सुबह फिर से मैं किचन में आ गई हूँ और आज मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए ये चौलाई के साग। तो ये बिल्कुल बरसात के मौसम में आते हैं, बिल्कुल हरे हरे से हैं और यहाँ पर मैंने इसको दो गड्ढी ये साग लिए हुए हैं और ये इस तरह से आते हैं बंच में। तो आज मैं इसकी एक सब्जी बना के आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल अलग तरीके की है, बहुत ही टेस्टी बनती है और आप पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा। तो आइए देखिए मैंने इसको कैसे बनाया था। तो यहाँ पर मैंने इस चौलाई के साग को काटना स्टार्ट कर दिया है। ये इस तरह से बंच में बंधा हुआ आता है तो इसको मैं काट लूँगी अच्छे से। इसको मैंने पहले धोया नहीं है, मैं बाद में धोती हूँ साग को, क्योंकि पहले धो लेने के बाद काटने में थोड़ी सी दिक्कत आती है मुझे। तो इसके लिए मैं यहाँ से देखिए जड़ के पास से इसको काट लूँगी और जड़ को किनारे हटा करके इसको पतले पतले पीसेज में मैं काट लूँगी। देखिए इसको काटना बहुत ही आसान होता है साग को, और बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महीन महीन काट लें, रफली इसको चॉप कर लेंगे इस तरह से और बहुत आसानी से ये कट जाता है। दोस्तों इस समय मार्केट में बहुत आसानी से ये चौलाई का साग मिल जाएगा। तो अगर आपको चौलाई का साग नहीं मिल रहा है तो आप पालक के साथ भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, किसी भी साग के साथ ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कट कर लिया है और एक बड़े बर्तन में हम धोने के लिए निकाल लेंगे। साग में बहुत सारा ये मिट्टी या धूल बालू के कण होते हैं, तो इनको धोने के लिए किसी बड़े बर्तन में इस तरह से पानी डाल लें और रगड़ रगड़ के धोते हैं हम। सबका धोने का तरीका अलग होता है, मैं इस तरह से धोती हूँ तो मैं बता रही हूँ। इस तरह से मैं तीन चार पानी करके मैंने धो लिया है और एक छन्नी में निकाल दिया है, एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। यहाँ पर कुछ तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 4 चम्मच यहाँ पर बेसन लिया हुआ है, कुटी हुई लाल मिर्च है, थोड़ा सा अजवाइन डाला है और नमक डाल करके इसको हाथ से ऐसे मसल मसल करके करेंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे, जितना पानी ये धोने के बाद साग में थोड़ा बहुत पानी रह गया होगा उसी पानी से इसको मैं करूँगी। यहाँ पर थोड़ा बेसन मुझे कम लग रहा था तो मैंने 2 चम्मच बेसन और ऐड कर लिया है। देखिए इस तरह से सूखा सा यहाँ पर हम इसको बना लेंगे। ये देखिए बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल सूखा सा, और बनाने पे एक छोटे छोटे गोलियाँ ये आसानी से बन जाएंगी। तो आइए आगे और तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 प्याज ले लिए थे, इसको छोटा छोटा काट लिया है, लहसुन ली है 7-8 कलियाँ और इसको पीस करके हम एक पेस्ट जैसा तैयार कर लेंगे। इधर कढ़ाई मैंने गर्म कर ली है, इसमें सरसों का तेल गर्म कर लिया था, मेथी का तड़का दिया है और अब गर्म होने के बाद जो मैंने मसाला पीस के रखा था, प्याज लहसुन का पेस्ट तैयार किया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब ये यहाँ पर थोड़े मसाले मैं ऐड करूँगी, जिसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, हल्दी है 1/2 चम्मच हल्दी डाली हुई है और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया था और इसको मैं चला दूंगी अच्छे से। ये भुनने लगा है, अब यहाँ पर पानी डाल देंगे, 2 कटोरी करीब मैंने यहाँ पानी डाला है, तेल छोड़ दिया था मसाले में, जब मसाला तेल छोड़ दे तो हम यहाँ 2 कटोरी पानी डाल देंगे। आप अपने आवश्यकता के अनुसार जितना पतला रसा करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा पतला रसा नहीं करना चाहती थी इसलिए यहाँ पर मैंने 2 कटोरी पानी डाल दिया था। एक जाली या छन्नी कुछ ले लेंगे, इसके ऊपर मैंने ऑयलिंग कर दी है, इस तरह की अगर जाली है तो ठीक है, नहीं तो प्लेट के ऊपर भी आप ट्राई कर सकते हैं। इस पर मैंने ऑयलिंग कर दी है जिससे इस पर पकौड़ियाँ इस पे चिपके नहीं, सभी को मैंने ऐसे गोल गोल आकार में बना लिया था और ये इस पे मैं भाप से इसको पकाऊंगी। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं, मैं कम तेल में बनाना चाहती थी इसलिए मैंने इसको इस तरह से बनाया है। अब इसको मैं ढक दूंगी, 5 मिनट बाद मैंने देखा है तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं, आसानी से निकल जा रहे हैं क्योंकि मैंने पहले इसमें ऑयलिंग कर दी थी जिससे ये इस पे चिपकेंगे नहीं। और ये देखिए मैं काट के आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल अंदर से पक चुके हैं, आराम से कट जा रहे हैं, चिपक भी नहीं रहे हैं। तो ये बनके तैयार हो गए हैं यहाँ पर चौलाई के कोफ्ते, और इनको मैं इस रस्से में डाल दूंगी। रस्सा भी तब तक पक चुका है, तो 1 पंथ 2 काज यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे रस्सा भी पक चुका है और ये चटपटा चौलाई का कोफ्ता भी बनके तैयार हो गया। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर